अबे इंडिया वालों, भाई हमने सुना है तुम हमारे यहाँ चैंपियन ट्रॉफी खेलने ना आओगे। अरे भैया चैंपियन ट्रॉफी खेलने आ जाओ, हम तुम्हारे साथ कोई बेईमानी ना करेंगे। अरे क्यों डर रहे हो भैया हमसे, हम पाकिस्तानी हैं, इसका मतलब हम ये ना है कि हम हैं पाकिस्तानी तो हम करेंगे बेईमानी। अरे भैया डरो नहीं, बिल्कुल टेंशन ना लो, डर तो अपने दिमाग से निकाल दो भाई, हम कुछ भी ना करेंगे तुम्हारे साथ बेईमानी, ना कुछ भी ना करेंगे भैया, तुम तो बस आओ खेलो बढ़िया तरीके से, अपना हार जाओ और चले जाओ, समझे। अबे देख रहे हो रोहित भाई इस बुड्ढे की बात, भाई बुढ़ापे में एकदम कुटना चाह रहा है भैया, बुड्ढे की सुन लो बात, बुढ़ापे में खाना चाह रहा है हमारी एक दो लात। इमरान कुछ भी ना होना जाना, हम जानते हैं नाम है तुम्हारा इमरान, तुम हो पाकिस्तान के सबसे बड़े बेईमान। बेटा कुछ भी ना कर पाओगे, हम तो ये है पाकिस्तान में आए ना आए वो अलग की बात है, लेकिन तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी टीम के खिलाफ जहाँ भी खेलेंगे खूब पेलेंगे। ए तुम्हारे खिलाड़ी में है ही क्या, लप्पू झन्ना खिलाड़ी, जहाँ भी जाते हैं पेल के आते हैं, हम लोगों का काम बना लिया है हमने, पाकिस्तान से जब भी मुकाबला हो पेल डालो छपरियों को। ए रन बॉल तुम्हारे खिलाड़ियों से बनाए ना जाते, और तुम कह रहे हो कि भाई डर निकाल दो। ए भैया हम पाकिस्तान में भी आ गए तब भी तुम कुछ ना उखाड़ पाओगे, हम तो वो हैं जो हमेशा तुम्हारी टीम को हराने के लिए तैयार होते हैं और अपने दुश्मनों को घर में घुस के धोते हैं, समझी। अमी ज्यादा ऊंची ऊंची बातें तुमको शोभा नहीं देती समझी, भाई किंग कोहली हम भी किंग बाबर हूँ समझी, तुम हिंदुस्तानी राजा तो हम पाकिस्तानी राजा, ज्यादा लंबी लंबी नहीं फेंको, लंबी लंबी फेंकना हमको भी आता है समझी, लेकिन हम फेंकते नहीं है तुम्हारी तरह। अबे यो देख लो कोहली भाई, ए भैया सुन लो इसकी बात है, सरकारी बस जैसा पिछवाड़े सा मुंह बनाया भैया इसने, और कह रहा है हम भी लंबी लंबी फेंक सकते हैं। ए बेटा तुझको हमारी बातें लंबी लंबी लगती है, ए भैया बाप है तुम्हारे, कभी तो हमारी सच्चाई को समझो, जो हम कहते उस बात को हमेशा सच माना करो, और हम तुम्हारे बाप हैं, अपने आप में हमसे खूब डरा करो समझे, वरना कभी तगड़ा पेल देंगे, पिल पिला जाओगे तगड़े तरीके से, मजा भी ना आएगा तुमको कभी जिंदगी में समझे। बाकी ये बुढ़ापा क्या कह रहा है तुम्हारा, इन पाकिस्तान में क्यों ना आना चाह रहे, अबे भैया हम पाकिस्तान में ना आएंगे क्या उखाड़ लोगे हमारा है, अब आ भी जाएंगे तब भी तुम कुछ ना उखाड़ पाओगे। भैया हम तो डंके के चोट पे जहाँ भी खेल जाते डट जाते हैं, और हमारे आगे तुम्हारी टीम के हमेशा पजामे फट जाते हैं समझी। अमी रही नहीं दू रोहित भाई, मैं भैया न पजामे फटती ही न तुम हमारी आगे डटती हो समझी, दो तीन गेंद के मेहमान हो तुम हमारी टीम के आगे, हमेशा तुमने दो तीन गेंदों पर लुल होके दिखाया है, और हमारी टीम ने भी कभी कभी तुक्का मार के तुम्हारी टीम को हराया है समझी। हाँ बेटा तुक्का तुम्हारी टीम ने मारा है, लेकिन ऐसा तुक्का मारा है जहाँ पे हमारा जानबूझ के हारने का विचार हो, जब भी तुम जीतो तो समझ लेना कि तुम्हारे पापा जानबूझ के हार गए, वरना तुम्हारी कहाँ औकात है हमको हराने की। बाकी रोहित भाई तुम जो पजामे फटने की कह रहे थे ना, अः भैया पजामे के साथ साथ इन लोगों के पिछवाड़े भी फट जाते हैं जिस दिन हमारे खिलाड़ी मैदान में डट जाते हैं। और भैया रही बात पाकिस्तान जाने की, तो भैया ये तो हमारी BCCI बताएगी, अगर हमारे लोग कहेंगे कि भैया जाओ और घर में ही घुस के इनको कूट के आओ, तो हम पाकिस्तान भी आएंगे, और हमारे लोग ना चाहते तुम्हारे यहाँ जाने की तो भैया हम ना जाएंगे, और कहीं दूसरी जगह आ जाइयो वहाँ पे पता चलेगा कौन किसका क्या उखाड़ लेगा। मैं बेटा बाप बेटे हो, बेटे की तरह रहो, बाप से पंगा क्यों लेते हो, हम हैं बाप तुम्हारे और तुम बेटे हो हमारे, हमसे बहसबाजी करना है तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पाप, क्योंकि हम हैं तुम्हारे बाप, और बाप से पंगा नहीं, वरना समझ लो एकदम नंगे हो जाओगे, एकदम जलवा जारी रहेगा, पांड्या का कांड्या तुम्हारी टीम पे भारी रहेगा।